बीते 25 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमारी पार्टी के एमएलए को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने 800 करोड़ रुपए रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़ रुपए। अब आखिरकार क्यों सत्ता के गलियारे में बैठे समझदारों को अरविंद केजरीवाल की इस बयान में समझदारी कम और सियासी ड्रामा ज्यादा नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं नितेश ठाकुर और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। 25 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 8 एमएलए गायब हैं और बीजेपी पर उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा होता भी तो आम आदमी पार्टी के 8 विधायक तोड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कम से कम 28 विधायकों को तोड़ने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की शह पर बैठे एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को तोड़ सकते हैं, तो आखिरकार ऐसा दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता है? अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों को तोड़कर अपने पास ले आए, और साथ ही आम आदमी पार्टी में एकजुटता भी बहुत ज्यादा है, तो ये करना भी असंभव नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं छीनना चाहती है? दरअसल दिल्ली में चाहे ही केजरीवाल सरकार क्यों ना हो, लेकिन काफी हद तक दिल्ली पर कंट्रोल बीजेपी के हाथों में ही है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, जिसके चलते राज्य सरकार और एलजी के बीच में तकरार होती रहती है, और सबसे जरूरी दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो दिल्ली में हासिल करने को बीजेपी के पास कुछ खास रह नहीं जाता। और साथ ही 3 महीने बाद गुजरात चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत गुजरात चुनाव में झोंक दी है, तो गुजरात चुनाव से ठीक पहले बीजेपी दिल्ली की सत्ता छीन करके उसे गुजरात चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलकर वोट हासिल करने का मौका नहीं देगी। साथ ही 19 अगस्त को एलजी वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आबकारी नीति में उलट पलट कर बेईमानी की है, और इस वजह से 19 अगस्त को उनके यहाँ छापा भी पड़ा। अब इसमें लोगों का कहना ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये सब कह करके लोगों का ध्यान आबकारी नीति से हटा करके इस पर केंद्रित करना चाहते हैं। हालांकि कई ऐसी वजहें भी हैं जिस वजह से अरविंद केजरीवाल का ये खौफ जायज भी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत कई राज्यों की सरकारों को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी की है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में समय से पहले ही सरकारें गिरी और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश में तेजी से बढ़ा हो, लेकिन दिल्ली की सत्ता से 22 साल से भारतीय जनता पार्टी अछूती रही है। अब बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को साइड करके वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकती है। अरविंद केजरीवाल के अंदर यह खौफ जरूर है। तो आपका क्या ख्याल है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।